हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। नाउ इट्स मी साइनिंग इन। होप यू ऑल यू आर गुड। अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे और पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, और पढ़ाई करते रहिए। यहाँ से भी आपको वीडियोस के थ्रू हेल्प मिल जाएगा, आपको लर्निंग में, टीचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इट विल गो हेल्प फॉर यू। और अभी जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स थे, हमारे कोर्स 8 की चेन चला रहे थे, कोर्स 8 का सीरीज चला रहे थे, और कोर्स 8 पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे को कवर भी कर लिया है, कंसीडर भी कर लिया है। कोर्स 8 की प्लेलिस्ट भी बन गई है, आप उस प्लेलिस्ट को जाइए और सर्च करके देखिए आपको जो भी टॉपिक रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कोर्स 8 के बारे में ही जो टॉपिक पढ़ा था, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज थी, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं ज्ञान की, उसके बारे में बात की थी हमने। तो जब हमने विशेषताओं की बात कर ली है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक टॉपिक और निकल कर आता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का महत्व क्या है हमारी लाइफ में। और कई लोगों के अकॉर्डिंग, या बहुत फेमस पर्सनालिटी या एमिनेंट पर्सनालिटीज जो होती हैं, जिनको हम विद्वान बोलते हैं, जिनको हम स्कॉलर बोलते हैं, उनके हिसाब से इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज क्या है, वो चीज़ों को कैसे हाईलाइट करते हैं, और उनके थ्रू क्या क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, क्या क्वेटेशन होता है उनको, कि नॉलेज को कैसे वो परसीव करते हैं, और नॉलेज की इम्पॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, या हर प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में। तो हम इसके बारे में ही डिटेल बात करेंगे आज नॉलेज की, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इम्पॉर्टेंट भी है ये वीडियो, आप जरूर देखिए इसको, आपको हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आराम से आता है, और लॉन्ग में भी आएगा, तो आप आराम से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट किया था, मीनिंग डेफिनेशन सारी चीजें क्लियर की हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हुआ है आपको, सब कुछ क्लियर किया हुआ है। आज का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंस है, पर्टिकुलर हम इम्पॉर्टेंस पे फोकस करेंगे कि ज्ञान का महत्व क्या है, ठीक है, और क्यों जरूरी है। चलिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज या ज्ञान का महत्व आज का टॉपिक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इज हाईलाइटेड थ्रू दीज क्वोटेशंस ऑफ द एमिनेंट पर्सनालिटीज। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ज्ञान का महत्व है, वो इतना जो हाईलाइटेड है, वो किनके किनके थ्रू चीजों को बताया गया है, जो हमारे बहुत ही फेमस विद्वान हैं, हमारी जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, तो उन फेमस पर्सनालिटी का यहाँ पे नाम भी लेंगे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि उनके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज है क्या, है ना, ज्ञान का महत्व है क्या। तो सबसे पहला मेरे पास यहाँ पर दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द फेरारे, है ना, FARAR, ये वेस्टर्न फिलोसोफर है, अकॉर्डिंग टू द फेरारे, इनके हिसाब से क्या है इम्पॉर्टेंस नॉलेज की, वो देखते हैं हम। तो नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस सेज ली ये कहते हैं कि जो हम पढ़ देते हैं पहले, इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस समझ रहे हैं, कॉमन सेंस मतलब जो भी आपका कॉमन मन है, जो भी आप, जो आपके सेंसेस हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं, वो किस तरीके के नॉलेज को, किस तरीके के नॉलेज को और ज्ञान को और ग्रहण करती हैं, और हम अपने कॉमन सेंस से राइट और रॉन्ग में कैसे भेद करते हैं, ना, सही और गलत में कैसे अंतर करते हैं, तो इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं। तो नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस सेज ली इज फॉली, विदाउट मैथड इट इज वेस्ट, विदाउट काइंडनेस इट इज फैंटासिज्म, विदाउट रिलीजन इट इज डेथ। ओके, तो इनके कहने का मतलब है कि जो हमारा सामान्य ज्ञान है, वो ज्ञान के बिना कहना उसको मूर्खता होगा। यानी कि हमारा जो सामान्य ज्ञान के बिना ज्ञान को हम ज्ञान कैसे कंसीडर करेंगे, यानी कि हमारी कम से कम कॉमन सेंस वाली नॉलेज तो क्लियर होनी चाहिए ना। अगर वो नॉलेज आपके पास नहीं है, तो और हम उसको बोलेंगे कि हाँ वो नॉलेज रखता है, तो ये कहना कहीं ना कहीं मूर्खता है। और जो स्टेटमेंट है ये ली के द्वारा दिया गया है, फिर उनका ये कहना है कि विदाउट मेथड इट इज वेस्ट, यानी कि बिना विधि के ये बेकार है। ओके, बिना विधि के ये बेकार है, यानी कि अगर हम कोई मेथड यूज नहीं करते तो क्या है, वो वेस्ट है, वो यूजलेस है। फिर विदाउट काइंडनेस इट इज फैंसेटिज्म, ठीक है ना। तो बिना विधि के ये बेकार है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि बिना दया के क्या है ये, बिना दया के भी ये बेकार है, बिना दया के कहीं ना कहीं ये क्या है, फैंटेसिज्म है, कट्टरता है। और देखा जाए विदाउट रिलीजन इट इज अ डेथ, यानी कि बिना धर्म के क्या है ये, बिना धर्म के कट्टरता है, बिना दया के मृत्यु है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या है, यानी कि अगर नॉलेज है, ज्ञान है, तो आपके अंदर धर्म भी होना चाहिए, आपके अंदर दया का भावना भी होना चाहिए, और आपके अंदर सामान्य नॉलेज भी होनी चाहिए, और कॉमन सेंस वाली नॉलेज होनी चाहिए, जिनको आप अपने कॉमन सेंस के हिसाब से अच्छा, गलत, सही, बुरा, गुड, बैड, इवल, सारी चीजों को कंसिडर कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ इन्होंने
बट विद कॉमन सेंस इट इज अ विजडम। लेकिन अगर हम इसी चीज को सामान्य ज्ञान के साथ कहते हैं तो वो ज्ञान है ना, सामान्य ज्ञान के साथ पढ़ते हैं तो क्या है, वो ज्ञान पर्पसफुल है, वो ज्ञान यूजफुल है। फिर लिखा हुआ है इन्होंने इट इज अ पावर विद चैरिटी, यानी कि अगर हम इसको मेथड के साथ सीखते हैं, यानी कि जिस विधि के साथ सीखते हैं वो एक तरीके से क्या है, पावर है। ठीक है, विधि के साथ अगर सीखते हैं तो ये पावर है या शक्ति है या सामर्थ्य भी बोल सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है। और धर्म के साथ ये क्या है, गुण है, जीवन है और शांति है। तो ओवरऑल अगर हम इसका कंक्लूजन देखेंगे तो इनके कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर हम सामान्य ज्ञान के बिना, यानी कि कॉमन सेंस के बिना चीजों को अगर हम सीखते हैं, बिना मेथड के थ्रू चीजों को सीखते हैं, बिना धर्म के थ्रू चीजों को सीखते हैं, तो वो किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज हमारा व्यर्थ है, वो नॉलेज हमारा कट्टरता की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर धर्म की बात हम नहीं करते हैं, हमारे अंदर दया नहीं है, तो वो नॉलेज हमारा या ज्ञान हमारा मृत्यु के समान है। लेकिन अब इन्हीं नॉलेजेस को हम ज्ञान के साथ सीखने की बात करते हैं, सामान्य ज्ञान के साथ, तो वो ज्ञान है, और मेथड के साथ सीखते हैं तो वो शक्ति है, सामर्थ्य है, और धर्म के साथ सीखते हैं तो वो गुण है, जीवन है और आपकी शांति है। तो होप यू गेटिंग माय पॉइंट अकॉर्डिंग टू द फरार। तो इसको आप एक दो बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत टिपिकल वर्ड है लेकिन कोशिश की मैंने कि इंपॉर्टेंस आपको समझा दूं, तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द शेक्सपियर, शेक्सपियर से आप फेमस हैं, ठीक है। चलिए, शेक्सपियर क्या कहते हैं, इग्नोरेंस इज द कर्स ऑफ गॉड, नॉलेज इज द विंग, है ना, वेयर विद वी फ्लाई टू द हेवन। तो बहुत अच्छी बात कहते हैं शेक्सपियर कि जो अज्ञान है हमारा, अज्ञान भगवान का अभिशाप है ना। इग्नोरेंस इज द कर्स ऑफ गॉड, यानी कि कर्स का मतलब आपको पता है अभिशाप, और इग्नोरेंस का मतलब यहाँ पे अज्ञान को कंसीडर किया गया। तो इग्नोरेंस इज द कर्स ऑफ गॉड, अज्ञान जो है वो भगवान का अभिशाप है। नॉलेज इज द विंग, यानी कि ज्ञान क्या है, ज्ञान वह पंख है, विंग का मतलब यहाँ पे उड़ने से मतलब है पंख, ज्ञान वह पंख है। वेयर विद इन वी फ्लाई टू हेवन, जहां हम स्वर्ग की ओर उड़ान भरते हैं। तो यानी कि कहने का उनका इतना मतलब है कि जो हमारा अज्ञान है वो भगवान का अभिशाप है, और ज्ञान वो पंख है, यानी कि नॉलेज वो पंख है जहां पर हम स्वर्ग की ओर उड़ने के लिए उड़ान भरते हैं। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करके हम मोक्ष की तरफ जाते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति को ही कहीं ना कहीं स्वर्ग का मार्ग कंसीडर किया जाता है। तो आई थिंक होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। इंपॉर्टेंस में आप डेफिनेशन जरूर डालिएगा, जब भी लिखने को आएगा आपका क्वेश्चन का वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट इन्होंने क्या है, इनके हिसाब से भी सुन लीजिए कि क्या है। इनके हिसाब से है कि बाय डब्ल्यू हॉल मैस, ये भी क्या है, स्कॉलर हैं, चर्चित स्कॉलर हैं, और इनके हिसाब से देखिए क्या है, द बेस्ट पार्ट ऑफ अवर नॉलेज, यानी कि ये लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है नॉलेज की, महत्व क्या है नॉलेज का हमारे जीवन में। द बेस्ट पार्ट ऑफ अवर नॉलेज इज दैट विच टीचेस अस वेयर नॉलेज लीव्स ऑफ एंड इग्नोरेंस बिगिंस। देखिए, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि हमारे ज्ञान का सबसे अच्छा पार्ट वो पार्ट है जहां से हम सब कुछ सीखते हैं, यानी कि टीच करते हैं, सीखते हैं, है ना, वो चीज बहुत अच्छी स्टेज होती है, वो पार्ट बहुत अच्छा पार्ट होता है, वो पार्ट बहुत बेस्ट होता है जहां से हमें हर तरह का ज्ञान सीखने को मिलता है। बट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अस वेयर नॉलेज लीव्स ऑफ, जहां पे ज्ञान छोड़ देता है वही अज्ञानता, वहीं से अज्ञानता शुरू हो जाती है। जहां पे हम नॉलेज छोड़ देते हैं, चीजों को सीखना छोड़ देते हैं, वही क्या है, अज्ञानता। यानी कि जब तक हम चीजें सीखते हैं, ठीक है, तब तक हमारे नॉलेज का बेस्ट पार्ट होता है, हमारे ज्ञान को कंसीडर करने का बेस्ट पार्ट क्या होता है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जहां पे हम सीखना बंद कर देंगे, जहां पे हम टीचिंग करना बंद कर देंगे, लर्निंग करना बंद कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो ज्ञान होगा, जब हम ज्ञान को ड्रॉप आउट कर देंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी, अज्ञानता आ जाएगी, इग्नोरेंस आ जाएगी, और उसी की शुरुआत हो जाएगी। तो ये कहना था बाई डब्ल्यू हॉल मैस, ठीक है, ये डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन इन द सेंस कि इनका ये स्टेटमेंट है, आप कंसिडर कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है और टू द पॉइंट है कि भाई जो भी बेस्ट पार्ट होता है हमारे ज्ञान का या नॉलेज का, वो पार्ट होता है जहां से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जहां पे हम सीखना छोड़ देते हैं वहीं से हमारी अज्ञानता स्टार्ट हो जाती है। ये सब आप भी जानते हैं कि हम सीखना बंद कर देते हैं तो अपने आप को कितने बड़े अंधेरे में रखते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं, मोस्ट मैन वांट नॉलेज नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर द सुपेरिटी विच नॉलेज कन्फर्स। यानी कि कहीं ना कहीं जो अधिकांश पुरुष होते हैं या मेन होते हैं, वो ज्ञान तो चाहते हैं, वो नॉलेज तो चाहते हैं, बट खुद के लिए नहीं,
बल्कि इसलिए चाहते हैं कि वो कैसा नॉलेज गेन करे ताकि वो क्या हो, सुपीरियर हो सके, ताकि वो श्रेष्ठ बन सके, जो क्या हो, दूसरी नॉलेज से डिफर करती हो, दूसरे लोगों से अपने आप को डिफर करती हो, यानी कि अपने आप को भिन्न। हर बंदा अपने आप को क्या कोशिश करवाता है कि हम सुपीरियर हों अगले से, ठीक है, हम नेक्स्ट वाले से सुपीरियर हों, पहले वाले से सुपीरियर हों। तो इसके लिए ज्ञान तो सबको चाहिए होता है, और बिना ज्ञान के कोई सुपीरियर कैसे हो सकता है, बिना ज्ञान के कोई सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। तो वही चीज उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला गया, इस पॉइंट में यही बोला गया है कि जितने भी लोग हैं नॉलेज तो चाहते हैं, हर बंदा चाहता है कि हमें नॉलेज मिले, लेकिन वो नॉलेज खुद के लिए नहीं, मतलब खुद को अज्ञानता से बचाने के लिए वो नॉलेज नहीं चाहिए, और इस पर्पज से भी नहीं चाहिए कि हमें किसी चीज की नॉलेज चाहिए, बल्कि उनको वो नॉलेज इसलिए चाहिए ताकि वो अपने आप को लोगों से सुपीरियर बना सकें, ठीक है, ताकि उनसे कुछ वो अलग हो सके, यानी कि अपनी पर्सनालिटी अपने ज्ञान के माध्यम से अलग ले जाकर दिखा सके कि हाँ हमें, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सुपीरियर हैं और हमको सब कुछ आता है। तो ये कहने का मतलब है, एंड द मीन्स दे एम्प्लॉय टू सिक्योर देयर सिक्योरिटीज आर एज रॉन्ग एज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, फॉर नो मैन कैन एवर एंड विद बींग सुपीरियर हु विल नॉट बी बिगेन विद द इन्फीरियर। वही चीज है कि व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो खुद के लिए ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता है, तो इसी चीज को आगे भी जाकर क्या करेगा, सिक्योर रखना चाहेगा। लिखा हुआ है एम्प्लॉय टू सिक्योर देयर सुपीरियर, यानी कि अगर एक बार उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है और उसने अपने आप को क्या कर लिया, सर्वश्रेष्ठ प्रूव कर दिया है, सुपीरियर प्रूव कर दिया है, तो उस चीज को वो आगे भी जाकर क्या करना चाहेगा, उस चीज को भी आगे जाकर वो सेफ रखने का काम करेगा, है ना, सुरक्षित रखने के लिए काम करता रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है और उसको किसी चीज की नॉलेज है, तो फर्स्ट नॉलेज उसको होगी, सेकंड नॉलेज उसको होगी, लेकिन जब उसको लास्ट नॉलेज होगी तो वो कभी चाहेगा कि हमारी नॉलेज कभी खत्म हो, वो तो यही चाहेगा कि हमारे लिए कोई भी लास्ट नॉलेज ना हो, है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर उसकी शुरुआत हो गई है नॉलेज से और अपने आप को वहां पे वो स्थापित करने के लिए, अपने आप को वहां पे फिक्स करने के लिए, वो ये चाहेगा कि जो भी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं वो हमारी लास्ट नॉलेज हो जाए, तभी हम अपनी कंडीशन को बरकरार रख पाएंगे। लेकिन नॉलेज तो कहीं भी फिक्स नहीं है ना, लिमिट नहीं है ना नॉलेज की, नॉलेज फिक्स नहीं है, उसके ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं है, इसलिए फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा जिस दिन अंतिम ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा उस दिन तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, वो हमें जो भी हम चाहते हैं कि हम स्टार्ट नहीं करें या करें या अपनी कंडीशन को बरकरार रखने के लिए नॉलेज करें, तो वो नॉलेज नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि नॉलेज हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए ना गेन करें, नॉलेज हम लोगों की अच्छाई के लिए करें, अपने खुद की नॉलेज के लिए, यानी कि अपने खुद की कॉमन सेंस की नॉलेज को बढ़ाने के लिए करें, खुद की नॉलेज के लिए, खुद की वैकलबरी बढ़ाने के लिए, खुद की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, इन सब चीजों के लिए ज्ञान को अर्जित करें, इकट्ठा करें। क्योंकि देखिए ज्ञान कभी निश्चित नहीं होता है, ज्ञान कभी फिक्स नहीं होता, और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ हमें हर तरह की नॉलेज मिल जाए और वो नॉलेज फिक्स रहे और मेरे से ज्यादा किसी को भी नॉलेज ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सुपेरिटी वाला कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ये इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यही कहना चाह रहे हैं कि सुपेरिटी और इन्फीरिटी का कॉम्प्लेक्स बंदे इन्फीरिटी का कॉम्प्लेक्स यानी कि जो नीचता का होता है, यानी कि हम उससे आगे बढ़ जाएं और जो हमारा पीछे वाला उससे कम हो जाए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, है ना। और हम सोचेंगे कि एक बार में हमने बहुत सारी नॉलेज बटोर ली है, बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली है और गेन कर हम टॉप पर बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके बाद भी जो अगला आएगा वो भी कहीं ना कहीं टॉप पे बैठेगा अपने नॉलेज के माध्यम से। तो हमारा कभी भी कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज लास्ट नॉलेज नहीं हो सकती है। अगर हम आपको ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने इस चीज के बारे में सारी नॉलेज गेन कर ली और कुछ भी जानना श्रेष्ठ नहीं रह गया, तो उस दिन वो नॉलेज, उस दिन आप इस दुनिया में रहने लायक नहीं होंगे, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं, ठीक है, डिफरेंसेस समझने की कोशिश कीजिएगा, और पॉइंट्स को भी मैंने क्लियर आउट कर दिया, तो होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉलेज इज लाइक ग्लू दैट स्टिक्स इन्फॉर्मेशन एज वेल एज अ लर्निंग टूगेदर। आपको पता है कि ज्ञान कहाँ से मिलता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से मिलता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत आपस में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चिपकी हुई इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे हमें लर्निंग में थोड़ी हेल्प मिलती है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान क्या है, एक ग्लू की तरह है, यानी कि एक गोंद की तरीके काम करता है, जिसके साथ बहुत सारी सूचनाएं आपके माइंड में एक पर एक करके आती रहती है। मैंने वही बोला है कि नॉलेज डेटा, नॉलेज और डेटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज का कॉन्सेप्ट यही है कि एक साइक्लिक प्रोसेस में सबसे पहले आपके माइंड में डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। अगर आप सिंपल वे में देखना चाहेंगे तो मान लीजिए हमारे नॉलेज में, माइंड में सबसे पहले डेटा कलेक्ट होता है, डेटा के बाद हमारे अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, और इन्फॉर्मेशन वही जाकर हमारी नॉलेज बन जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये साइक्लिक प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप चलता है। हमारे माइंड में बहुत सारा डेटा कलेक्ट हुआ, उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन गेन की उस डेटा से रिलेटेड, फिर उसके बाद तब जाके हमें नॉलेज की प्राप्ति होगी या ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो इस तरीके से, और जिससे हमारी लर्निंग अधिकम इफेक्टिव होगी। व्हेन वी हैव द प्रायर नॉलेज अबाउट अ टॉपिक वी अंडरस्टैंड इट बेटर।
देखिए, जब भी हमें किसी टॉपिक को पढ़ना जा रहे हैं, हम कहीं किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और उससे पहले वाले टॉपिक के बारे में आपको कुछ ज्ञान है, पहले से आपको कुछ ज्ञान है, तो वो टॉपिक आपको समझने में बहुत बेटर हो जाएगा, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा और आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए प्रीवियस नॉलेज जो भी हमारी टॉपिक से रिलेटेड होती है तो हमें न्यू वाले कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत हेल्प मिलती है। ये चीज अब आप भी जानते हैं कि हम जो लर्निंग टीचिंग करते हैं बच्चों के लिए, प्रीवियस नॉलेज बेस्ड चीजों पर ही करते हैं कि कम से कम बच्चा उस टॉपिक के बारे में बेसिक चीजें तो जानता हो, तभी हम उस टॉपिक के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ स्पेशली इन द स्कूल। और स्पेशली देखा जाएगा कि जो ज्ञान है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद्यार्थियों के लाइफ में, स्पेशली उनके विद्यालय में, है ना। यानी कि विद्यालय जाने से पहले जो भी वो नॉलेज गेन करते हैं या जिस भी ग्रेड की नॉलेज उनको पहले से है, तो आगे आने वाले स्कूल में उनकी कक्षाओं में वो नॉलेज उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है, इफ दे डोंट हैव रिलेटेड नॉलेज दे फेस डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, है ना। अगर उनके पास पहले से कुछ रिलेटेड नॉलेज नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड या उस ग्रेड से रिलेटेड या उस टास्क से रिलेटेड, तो उनको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी और उनको डिफिकल्टी भी आएगी, चीजों को वो समझ नहीं पाएंगे एक बार में। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है कि ज्ञान हमें पहले से होना चाहिए जिस भी चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं, और जिसकी भी चीज के बारे में हमारे अंदर ज्ञान नहीं है उसको हम पढ़कर अर्जित करने की कोशिश करें। ज्ञान तो हम अर्जित कर सकते हैं ना चीजों को पढ़कर, लोगों से मिलकर, सुनकर। सोर्सेज तो बहुत सारे हैं नॉलेज को गेन करने का, और आज की डेट में मल्टीमीडिया सोर्सेज है, बहुत बड़ा रिसोर्स है ज्ञान को गेन करने का। हमारे टीचर हमें नॉलेज देता है, हमारा स्कूल हमें नॉलेज देता है, हमारे कॉलेज के टीचर्स से लेके प्रिंसिपल तक हर बंदा कुछ ना कुछ नॉलेज देता है। हमारे कोलीग्स, हमारे क्लासमेट्स, वो सब भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं। मल्टीमीडिया से भी हमें नॉलेज मिलती है, मोबाइल से भी हमें नॉलेज मिलती है, टीवी न्यूज, मतलब कहीं ना कहीं ये सारे रिसोर्सेस हैं, सोर्सेस हैं नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपके बार आपको किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी होती है तो आपकी प्रीवियस नॉलेज बहुत खराब है और आप उस अपनी प्रीवियस नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि टीचिंग में अगर आपको कोई भी टेक्स या कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, उस टर्म को आप पहली बार सुन रहे हो, उस नए टर्म को से पहली बार फेमिलियर हो रहा है, तो आपको उस टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग होने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो ये चीज भी ध्यान रखिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज इन द सेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, हमें सामान्य ज्ञान की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं हमारी ना, जीके से लेके जनरल साइंस से लेके, मतलब हर चीज आ जाएगी कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कौन सी नदी है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा स्टेट है, कौन सा कैपिटल है। मतलब अगर आप बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान का जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड एरिया है, और सामान्य ज्ञान की नॉलेज हमें होनी चाहिए। यानी कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीजें हो रही है, क्या घटित हो रही है, क्या घटित होने वाला है, या पास्ट में क्या है, तो इन सब चीजों को भी हम, इन सब के अंदर भी हम जनरल नॉलेज करते हैं। जनरल नॉलेज इन द सेंस की सामान्य ज्ञान की स्टडी करते हैं, सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन की नॉलेज भी होनी चाहिए आपके अंदर। नेक्स्ट हमारा है वैकलब्री नॉलेज। वैकलब्री नॉलेज इन द सेंस की शब्दावली ज्ञान। शब्दावली ज्ञान की यानी कि जो शब्द यूज करते हैं, जो वैकलब्री हम यूज करते हैं, वो हमें नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। जैसे नॉलेज लिखा हुआ है, तो नॉलेज भी क्या है, एक वर्ड है, और आपको पता होना चाहिए कि नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल, जनरल का मतलब क्या हुआ, सामान्य। तो आपको इस तरह की वैकलब्री की नॉलेज भी होनी चाहिए, जो टर्म्स लिखे हुए हैं, जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं आपकी लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज। कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज इन द सेंस की अवधारणा पे आधारित ज्ञान। यानी कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी पढ़ रहे हैं, एनीथिंग एल्स, या किसी चीज पे बात भी कर रहे हैं, तो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीजें क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उस लाइन, उस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं भी जानते होंगे, तब भी बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट इन द, कहने का मतलब है कि जैसे हम कुरिकुलम पढ़ रहे हैं, तो कुरिकुलम का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो आप कुरिकुलम के बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कुरिकुलम का मीनिंग बता सकते हैं, कुरिकुलम का मोटिव क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, सोर्सेस क्या हो सकते हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट, यानी कि बेसिक नीव, जैसे हमारा किसी भी चीज को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो हम चीजों को अच्छे वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और हमारा ज्ञान अगर कॉन्सेप्ट पे आधारित है, तो हमारा कभी भी कंटेंट नॉलेज कम नहीं होगा, वो बिल्कुल स्ट्रांग होगा, बिल्कुल पीक पॉइंट पे होगा, टॉप पे होगा। तो इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा चीजों को लेकर, टॉपिक को लेकर, तो आपको पढ़ने में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। रटी रटाई चीजें कभी भी हमारे माइंड में फिक्स नहीं होती हैं, वो थोड़े टाइम के लिए रहती हैं, वो शॉर्ट टाइम के लिए रहती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाली चीजें हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए रहती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज फ्रॉम द बुक्स, यानी कि बुक के लिए भी ज्ञान, है ना। ज्ञान पुस्तक के लिए ज्ञान, यानी कि जो हमें नॉलेज मिल रही है वो हमें हमारी बुक से भी मिलती है। आपको पता है बुक एक क्या है, टूल है हमें नॉलेज प्रदान करने के लिए, जिसको शिक्षक भी यूज करता है, टीचर्स भी यूज करते हैं, बच्चे भी यूज करते हैं, पूरा स्कूल भी यूज करता है। यानी कि बुक के माध्यम से भी हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हमारा टीचर कैन एंगेज द स्टूडेंट इन द डिफरेंट एक्टिविटीज विच विल हेल्प टू अंडरस्टैंड देयर प्योर नॉलेज. यानी कि टीचर यहाँ पे क्या कर सकता है, टीचर अपने बच्चों को बहुत तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज में क्या कर सकता है, एंगेज कर सकता है, जिससे बच्चों के अंदर क्या होगी, समझने की जो शक्ति होगी, समझने की जो पावर होगी, अंडरस्टैंडिंग पावर होगी, नॉलेज पावर होगी, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड रहेगी, तो उसको वो चीजें बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगी. यानी कि कोई टॉपिक अगर उसको पढ़ाना है तो बच्चों का वो छोटा सा एक प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्या कर सकती है, टेस्ट ले सकती है, कुछ क्वेश्चन पुटअप कर सकती है नया टॉपिक को पढ़ाने से पहले. तो जो क्वेश्चन के आंसर आएंगे उसके वो आंसर प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड रहेंगे, तो अगले वाले टॉपिक को पढ़ाने में उसमें हेल्प मिलेगी. यानी कि कोई भी में आप नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं बच्चों से, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए. नेक्स्ट है, नॉलेज विल ऑल्सो जनरेट द क्यूरियोसिटी इन देम टू लर्न एंड द कनेक्ट विद द सब्जेक्ट. देखिए नॉलेज यानी कि ज्ञान बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी को क्रिएट करती है और बच्चों को कुछ भी सीखने के लिए बहुत हेल्प करती है और चीजों को सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए भी हेल्प करती है, जो भी उस ज्ञान का बैकग्राउंड है या जो भी उस ज्ञान का लेवल है. इट बिकम्स इजियर टू क्रिएट द लर्निंग सेशंस फॉर द स्टूडेंट्स विच टेक्स्ट बुक कांट डू. देखिए अगर बच्चे को हम बहुत ज्यादा सोचेंगे कि ज्ञान है इसके बारे में, तो ये बहुत बच्चे के लिए ईजी हो जाता है चीजों को, अगर ज्ञान पहले से है तो उसके अंदर लर्निंग की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी, उसके सेशंस अच्छे हो जाएंगे. और यहाँ पे देखिए बुक से उसको हेल्प मिले ना मिले कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर स्टूडेंट को प्रीवियस नॉलेज है और प्रीवियस ज्ञान है उस किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगी उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. नेक्स्ट है, नॉलेज इज कॉल्ड एज द थर्ड आई ऑफ मैन. कॉल्ड मैं ऐसे लिखती हूँ शॉर्ट में, ठीक है. नॉलेज इज कॉल्ड द थर्ड आई ऑफ मैन. और ज्ञान को हम क्या करते हैं, मनुष्य की तीसरी आंख बोलते हैं. फिर इसके बाद है, नॉलेज इज अ मीन्स टू मूव मैन फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट. यानी कि कहीं ना कहीं ज्ञान क्या करता है, ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ठीक है ना. यानी कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम कौन करता है, ज्ञान करता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, नॉलेज इज द एसेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ. कहीं ना कहीं मानव जीवन का जो बेस है वो क्या है, हमारा ज्ञान है. फिर है, नॉलेज बिल्ड्स द कैरेक्टर. नॉलेज क्या करती है, चरित्र का निर्माण करती है, करेक्टर फॉर्मेशन करती है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नॉलेज इज द वे टू रीच द ट्रुथ. यानी कि सच को जानने का, सच को खोजने का जो मार्ग है, वो जो माध्यम है पहुंचने का, वो क्या है, हमारा नॉलेज है और हमारा ज्ञान है. पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नॉलेज इज द पावर. जो ज्ञान है वो क्या है, हमारी शक्ति है. अगर हम नॉलेजफुल हैं तो हमारे हम पावरफुल कहलाएंगे, कोई डाउट नहीं है, भले पैसा ना हो, इट डजंट मैटर. नॉलेज लिमिट्स इज नॉट फिक्स्ड. आपको पता है कि ज्ञान की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, वो फिक्स नहीं होता है. हम जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं वो ज्ञान हमारे लिए कम होता है. नेक्स्ट पॉइंट है, नॉलेज इज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन. कहीं ना कहीं नॉलेज जो होती है वो शिक्षा को सिखाने का एक साधन होती है, एक एजेंसी होती है, एक टूल होती है ज्ञान, ठीक. नेक्स्ट पॉइंट है, नॉलेज इज द मीन्स टू अचीव मॉरलिटी. कहीं ना कहीं ज्ञान हमें अपने जो नैतिक कर्तव्य हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, उनको सक्सेस कराने में या उनको गेन कराने में हेल्पफुल है और मददगार है. नेक्स्ट है, नॉलेज इज द फूड ऑफ माइंड. यानी कि कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क का जो खाना है वो क्या है, ज्ञान है. और बहुत सारा ज्ञान हमें अपने मस्तिष्क में हमेशा भरते रहना चाहिए, हमेशा ठूसते रहना चाहिए, ताकि कभी हमारा मस्तिष्क जो है वो भूखा ना रहे बिना ज्ञान के. यानी कि मस्तिष्क को किसकी तलाश होती है खाने की, जिसे हमको जीने के लिए खाना चाहिए, तो वैसे मस्तिष्क को भी जिंदा रहने के लिए और प्रॉपर वे में काम करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, उसे बहुत सारा क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए. ज्ञान क्या है, निश्चित नहीं है. तो यानी कि अपने माइंड को आप जितना ज्ञान देंगे, जितनी इंफॉर्मेशन देंगे, आपका माइंड उतना एक्टिव होगा, आपका माइंड उतना अच्छा चलेगा, है ना, बजाय फालतू चीजों के. नेक्स्ट है, नॉलेज इज अ प्रोसेस रन सब्सिक्वेंटली. नॉलेज कहीं ना कहीं हमें ये सिखाता है एक प्रक्रिया के तहत कि हमें सीक्वेंस से चलना चाहिए, यानी कि क्रमबद्ध तरीके की बात करता है. तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए आपको इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज में, और बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये वीडियो और मुझे भी मजा आया पढ़ाने में, क्योंकि नॉलेज के बारे में तो हम कितनी भी बात करेंगे ना वो कम है. आप नॉलेज पे बोलते चले जाइए खत्म नहीं होगा, बट यहाँ पे टू द पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया है. बुक में ये चीजें बहुत ही लेंथी वे में मिलेंगी, आपको क्लियर नहीं होगा. तो यहाँ पे तो मैंने इंपॉर्टेंस से लेकर थिंकर्स से लेकर जो एमिनेंट पर्सनालिटी थी वो भी डिस्कस कर दी, और बहुत सारे पॉइंट्स भी डिस्कस कर दिए हैं. इसको आप हेडिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जो मैंने इधर बताया है, डिस्कस किया है, आपको सब समझ में आया होगा होपफुली. और जो चारों डेफिनेशन मैंने दी हैं, इन डेफिनेशन को कृपया करके आप एक दो बार वीडियो पॉज करके जरूर देख लीजिएगा, आपको आगे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. और इन डेफिनेशन को आप समझाने की कोशिश कीजिएगा, ये डेफिनेशन भी कंसिडर कर सकते हैं, और इनका ये स्टेटमेंट भी है कि इनके हिसाब से इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज होती क्या है. तो ठीक है,
ये आपको अगर पीडीएफ में इसका दे दूंगी और हिंदी में भी ये डेफिनेशन आपको मैं दे दूंगी, ठीक ना। इसको मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में कर दूंगी और इसको मीनिंग समझाने की कोशिश कर दूंगी, तो थोड़ा सा मिल जाएगा आपको। और जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इन केस इस टॉपिक में कोई दिक्कत होती है कि नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है, तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। वीडियो हेल्पफुल रहा हो, सपोर्टिव रहा हो, आपके लिए बेटर रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट बहुत वैल्यूएबल हमारे लिए हैं, वैल्यूएबल इसलिए हैं कि चीज़ों को पता चलता है कि इंसान पढ़ रहा है तो फिर उसको कैसा लग रहा है, उसकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जिस पर्पज से हम वीडियो बना रहे हैं वो पर्पज उसका सॉर्ट आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यू कैन कमेंट ऑन देयर यूट्यूब सेक्शन, और चैनल को प्लीज़ बहुत सारा सब्सक्रिप्शन दीजिए ताकि चीज़ें कुछ बेटर वे में हो सकें। सो बस करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, नाउ साइनिंग ऑफ। लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।